हमारा जितना स्टॉक अदर कंपनी में आपको लोगों ने किया, हमारी कंपनी से बिजनेस स्टार्टअप आप लोग भी करिए और मोर डिस्काउंट पाइए। प्रोडक्ट के सैंपल्स लगे हुए हैं, जैसे जो कस्टमर विजिट करने आते हैं हेड ऑफिस में, तो उनको टेस्ट कराने के लिए कि किस में कितनी ब्राइटनेस है, उनके लिए सैंपल्स लगे हुए। पीपी वाला जो बल्ब होता है वो है, और यहाँ पे ट्यूबलाइट की पैकिंग्स रखी हुई है, यहाँ पे ये मशीन्स रखी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं ये प्रेसिंग मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा। वेलकम टू यू लाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपने इस चैनल पे ज़्यादातर देखा होगा दिल्ली ब्रांच का वीडियोस। आज मैं आपको हेड ऑफिस का विजिट कराऊंगा कि क्या क्या हेड ऑफिस में किस तरीके से वर्किंग होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हेड ऑफिस का व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी काम भी चल रहा है, पर जो दो फ्लोर हैं जिनमें हेड ऑफिस की वर्किंग हो रही है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ कि कौन से कंपनी में प्रोडक्ट है, सारे कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग से कि किस प्रकार कंपनी में इंक्वायरीज आती हैं और किस तरीके से हैंडल किया जाता है। सबसे मेन स्टार्टअप यहीं से होता है बिजनेस का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के सैंपल्स लगे हुए हैं, जैसे जो कस्टमर विजिट करने आते हैं हेड ऑफिस में, तो उनको टेस्ट कराने के लिए कि किस में कितनी ब्राइटनेस है, उनके लिए सैंपल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप साइड में ऑफिस देख सकते हैं, यहाँ पे विजिट करके कस्टमर को कंसल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था जो हमारा वीडियो पे चैनल्स पे आता है वीडियो की, वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए कॉल्स वगैरह आती हैं वो कहाँ पे हैंडल किया जाता है, इसी प्रकार हेड ऑफिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉल्स वगैरह इंक्वायरी आती है उनके लिए है, और यहाँ पे विजिट के लिए जो कस्टमर विजिट करने आते हैं उनको हैंडल किया जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो हमारी कंपनी की पावर है वो है सपोर्टिव, कि प्रॉपरली गाइड करना। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड से ही ऑफिस में एक वेयर हाउस बनाया गया है जो मटेरियल इन स्टॉक रखने के लिए, आप देख सकते हैं ये इनमें पीपी की जो हाउसिंग, जो अपने 9 वाट का जो बल्ब देखा होगा जो पीपी वाला जो बल्ब होता है वो है, और यहाँ पे ट्यूबलाइट की पैकिंग्स रखी हुई है, यहाँ पे ये मशीन्स रखी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं ये प्रेसिंग मशीन है, स्टॉक आप देख सकते हैं, ये हेड ऑफिस की वीडियो है, और यहाँ पे ये स्मॉल वाली रखी हुई है देख सकते हैं। मशीन्स भी दो प्रकार की आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूबलाइट 9 वाट के बल्ब रखे हुए हैं। अभी मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ कि नीचे किस प्रकार कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, जहाँ पैकिंग्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं कि किस प्रकार लेज़र प्रिंटिंग से प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग प्रिंट किया जाता है और किस प्रकार प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को पैक किया जाता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा इस पैकिंग के लिए बनाया गया है, और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं रेडी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ, ये लोटस बल्ब रखा है, फुटबॉल बल्ब रखा हुआ है, मतलब जितने भी एलईडी के प्रोडक्ट हैं सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ का इन स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये आरसी ड्राइवर, यहाँ पे ये 9 वाट का ड्राइवर, ये आप देख सकते हैं ये 9 वाट का जो हमारा यूसा का ड्राइवर है वो चीज़ है। ये लेटेस्ट वीडियो है, आपको बिल्कुल नया शूट करके ही आपको दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि पुराना ओल्ड कोई वीडियो है। देख सकते हो ऊपर जो बेयर हाउस में प्रेसिंग मशीन रखी थी कुछ यहाँ पे पैकिंग्स के लिए रखी हुई है, जब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो ऊपर से फिर मंगाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकल B22 कैप है, देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं निकल B22 कैप की, और यहाँ पे निकल विथ वायर का B22 कैप है, सिल्वर विथ वायर का है प्रॉपरली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली PCB वगैरह रखी हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
और वॉट इज की पीसीबी, अल्फा पीसीबी, 7-in-1 पीसीबी, एसीडीसी पीसीबी, जैसे उधर मैंने आपको बताया था सिल्वर विथ वायर, निकल विथआउट वायर, यहाँ पे सिल्वर विथआउट वायर का V22 कैप रखा हुआ है, कुछ पैकेज भी बनाए रखे गए हैं। तो जो लोग एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे ट्रस्टेबल कंपनी आपको अगर देखने को मिलेगी जो, तो वो हमारी कंपनी यू लाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें सबसे अच्छा सपोर्टिव है कि आपको प्रॉपरली सपोर्ट टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। कि अगर आप स्टार्टअप करेंगे, सबसे मेन चीज़ होती है कोई भी बिजनेस चलाने के लिए गाइड करना, कि उनको प्रॉपरली कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है टाइम टू टाइम आपको गाइड करना, तो ये चीज़ आपको हमारी कंपनी में देखने को मिलेगी। आज मैं आपको हेड ऑफिस का व्यू आपको दिखाया, ज़्यादातर हमारे चैनल पे आपको दिल्ली ब्रांच का व्यू देखने को नज़र आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेज़र प्रिंटिंग मशीन है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा लेज़र प्रिंटिंग मशीन क्या होता है। लेज़र प्रिंटिंग मशीन होता है कि ये जो 57mm की जो हाउसिंग होते हैं या फिर कोई भी एलईडी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर उनका ब्रांड प्रिंट करना, वो लेज़र प्रिंटिंग मशीन की सहायता से ब्रांड किया जाता है। हमारी कंपनी में सभी फैसिलिटी है, ज़्यादातर हम बिजनेस ब्रांड वाले लोगों को ही सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं। जो लोग अपने ब्रांड में बिजनेस करना चाहते हैं कि एलईडी बल्ब पे भी हमारा ब्रांड हो, पैकिंग बॉक्स पे ब्रांड हो, तो सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पे मटेरियल पैक हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर का नाम और पूरा स्लिप बना हुआ है कि कोई भी कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई आइटम रखा जा रहा है प्रॉपरली टिक टिक करके रखा जा रहा है। और पैकिंग आप देख सकते हैं, पैकिंग बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं पूरी स्लिप बनी रखी है, मैं आपको नीचे से ऊपर तक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे और भी काफ़ी स्लिप रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट्स की रखी हुई है। तो जो लोग अगर हेड ऑफिस भी विजिट करना चाहते हैं तो आप एड्रेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप हेड ऑफिस आ सकते हो तो आप दिल्ली ब्रांच में आ जाइए, 17/3 DLF इंडस्ट्रियल एरिया मोतीनगर। आपको सीधे दिल्ली मोतीनगर मेट्रो स्टेशन आना है, मोतीनगर मेट्रो स्टेशन पे आगे 311 प्लन नंबर से आपको लेफ्ट लेना है, 100 मीटर चलने के बाद आपको एक और लेफ्ट मिलेगा, 20 मीटर चलने के बाद आपको हमारी कंपनी यू लाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि एक एक प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट ऐसा होता है तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट A to Z जितने भी प्रोडक्ट होते हैं एलईडी प्रोडक्ट सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉक्सेस हैं, इनमें 57mm हाउसिंग रखी हुई है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 57mm हाउसिंग रखी हुई है, यहाँ पे इसका टाइप हाउसिंग रखी हुई है। तो सभी प्रकार का एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल, ट्यूब लाइट, स्ट्रीट लाइट, सभी प्रकार के सभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।